सरकार कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। क्लस्टर अभियान के तहत प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस मुहिम से एटा जिला भी अछूता नहीं है। एटा जिले में क्लस्टर अभियान के तहत टीकाकरण में भारी वृद्धि आई है। इस अभियान में जिले के ग्रामीण इलाकों में 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान से 26 केंद्रों पर 7,200 लोगों ने टीकाकरण कराया, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं एटा के सीएमओ उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले में क्लस्टर अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान से कोरोना टीकाकरण में भारी बढ़ोतरी हुई है। मैं वैक्सीन लगा चुकी हूं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और गांव के जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा रहे हैं, और प्रेरित भी हम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है, और मैं वैक्सीनेशन करा चुकी हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि कोई मतलब आपको डराना चाहे तो डरिए मत, वैक्सीनेशन कराइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मेरे गांव में लगभग 50% वैक्सीनेशन लोग करा चुके हैं, और लोग अभी करा रहे हैं मतलब, और सब ठीक ठाक है, कोई इसमें भयमुक्त होकर कराइए। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं ग्राम विजयपुर का प्रधान हूँ, और मेरे गाँव में कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, और ये 5वीं बार है 6वीं बार है यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, और लगातार इम्प्रूव हो रहा है। पहले 30, फिर 40, फिर 50, और लास्ट टाइम 100 का हुआ था, इस बार लगभग 130 लोगों का वैक्सीनेशन आज हो रहा है। और मैं घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जाके उन लोगों को समझाता हूँ कि इससे कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आइए वैक्सीनेशन करवाइए और सुरक्षित रहिए कोविड से। एक्चुअली पहले सिर्फ पॉजिटिव जगह पे देख के हम लोग जाते थे, लेकिन देखा गया कि वैक्सीनेशन कम हो रहा है, तो अब क्लस्टर अप्रोच चल गई है। तो हम 15-20-30 टीमें बना के एक पूरी एरिया में जा रहे हैं, और अधिक से अधिक मोटिवेट करके लगवा रहे हैं। पहले जहाँ पर अलीगंज का 20 या 30-50 रहता था, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2-3 दिन पहले 400 था, फिर 940 हुआ, और कल का तो 1240 अलीगंज में लगी हुई हैं।